हाय एवरीवन, आशा ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रेसिपी है ढाबा स्टाइल पनीर मसाला, जो कि हम घर के मसालों से बहुत ही इजी तरीके से आप सभी को मैं बताऊंगी। और ये भी बताऊंगी कि ढाबा में कौन ऐसा खास ट्रिक है जो उनकी सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसके लिए हमें सबसे पहले पनीर को मैरिनेट करना होगा। इसको मैं एक बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और हाँ, मैंने ऐसे चौकोर शेप में अपने पनीर को जैसे वैसे काट सकते हैं, मैंने ऐसे चौकोर शेप में और थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का मैं काट ली हूँ। आप अपनी मर्जी के अनुसार जैसे मन करे वैसे काट सकते हैं। अब इसे मैरिनेट करने के लिए थोड़ी सी मैं हल्दी डालूँगी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। ताकि हमारा ये बाद में पनीर फीका ना लगे, इसे अच्छी तरह मैरिनेट करके हम इसे टॉस कर लेंगे। अब इसमें हम पनीर को अपना रोस्टेड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन ढाबा वाले सब ऐसे ही रोस्ट करके पनीर को बनाते हैं। सारे पनीर के टुकड़े को हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ज़्यादा रोस्ट करने से ये पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा। देखिए, इसको हमको थोड़ा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। ज़्यादा रोस्ट करने से ये हार्ड हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, 2 मिनट तक मैंने इसे रोस्ट किया है। अब इसे मैं निकाल लूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने पनीर को सारा निकाल लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच तेल डाले हैं और 1 चम्मच इसमें घी जाएगा। तेल और घी गरम होने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। मैंने इस सब्जी में घी इसलिए डाला क्योंकि ढाबा वाले भी घी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी सब्जियां बहुत स्वादिष्ट बनती है। और उसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। तो हमने सूखा मसाला में क्या लिया है, 3 इलायची, फिर ये दालचीनी का टुकड़ा 3 लाल मिर्च और ये कुटी हुई धनिया गोल की 3-4 और लौंग 4। आप मिर्चा अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। अब ये सारे खड़े मसाला भी इसमें मैं डाल दूंगी। मसाला के चटकते ही इसमें मैं प्याज डालूंगी। अब इसमें 2 कटे हुए प्याज मैं डालूंगी और ये मैंने चॉप्ड कर लिया है। आप चाहे तो इसका प्यूरी भी ले सकते हैं, लेकिन ढाबा में जनरली ऐसे ही प्याज चॉप करके वो डालते हैं, इसलिए उनकी सब्जियां थोड़ी अलग होती हैं। देखिए, ये हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी मैंने चॉप करके ही डाला है क्योंकि ढाबे वाले जनरली सारे सब्जियों में चॉप करके ही डालते हैं, इसीलिए उनमें थोड़ा दरदरा सा टेक्सचर रहता है ढाबा वाली सब्जियों में। आप लहसुन और अदरक का पेस्ट भी इस जगह पे डाल सकते हैं। और हमें मसालों को धीरे धीरे भूनना है। धीरे धीरे भूनने से ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अब इसमें हम 3-4 मिर्ची डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, क्योंकि हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं, इसलिए मैं इतना डाल रही हूँ। एक चम्मच
धनिया जाएगा, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा जाएगा, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 2 चम्मच इसमें बेसन जाएगा। यही जो ट्रिक है जो सब्जियों को ये ग्रेवी में अच्छा बनाता है, अच्छा टेक्सचर देता है इस सब्जी का, और ढाबा वाला भी इसी का इस्तेमाल करके सब्जियों को, ना ही वो काजू डालते हैं ना ही आज की कोई मॉडर्न जमाने की क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं डालते हैं, केवल बेसन से ही सब्जियों का टेक्सचर अच्छा करते हैं। अब धीरे धीरे लो फ्लेम पे हमें सारे मसालों को भून लेना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे। देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह भुना गया, बेसन भी इसमें बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, खुशबू आने लगा। अब इसमें हम दरदरी कुटी हुई टमाटर डाल रहे हैं, ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, आप चाहे तो यहाँ टमाटर का प्यूरी भी डाल सकते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब 2 मिनट तक इसे हम ढककर पका लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से पक जाए, इसके लिए हम 2 मिनट तक ढक देंगे इसको। 2 मिनट हो गया, अब हम ढक्कन हटा कर देखेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा तेल रिलीज होने लगा टमाटर से, मसालों से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और टमाटर को पका लेंगे ताकि टमाटर मसाला में चिपके नहीं। देखिए दोस्तों मैंने सारा दरदरा कूट के मसाला डाला था, फिर भी मसाला का टेक्सचर कितना अच्छा है देख के ऐसे मालूम पड़ता है जैसे मिक्सी से पीस कर डाली है। 2 बड़ा चम्मच दही डालेंगे और दही को हमें मिला कर लेना है, और दही बिल्कुल खट्टी ना लें, इससे खट्टी लेने से हमारी सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेश दही लेना है और फ्लेम को लो ही रखना है हमें। अब इसको मसाला के साथ अच्छे से मिला लेंगे। दही मिलाने के बाद हमें 2 मिनट तक अच्छे से चलाते रहना, इसे छोड़ना नहीं है, और ये दही फटेगा नहीं क्योंकि हमने इसमें बेसन मिलाया है, और बेसन को इसीलिए मिलाया जाता है कि दही फटे नहीं। तो मैंने 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह भून लिया है, इसमें से अब तेल भी रिलीज होने लगा है। अब इसमें हम भुनी हुई कसूरी मेथी 1 चम्मच डालेंगे, ये हमें भून कर ही लेना है, याद रखिए। सारा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुना गया है, भुनाने की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब इसमें हम आवश्यकता के अनुसार पानी डालेंगे, जैसे आपको ग्रेवी रखना है मोटा पतला, जैसा आपको रखना है उसके अनुसार आप पानी डालें। 2 कटोरी पानी डालेंगे अपने अनुसार। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला, 2 मिनट तक ढक्कन लगा देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए, उसके बाद लिख। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसका लीड हटाकर हम देखेंगे। देखिए दोस्तों मसाला कितना अच्छा
भुन गया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे जो हमने रोस्ट करके रखा था। देखिए मेरा पनीर बनकर तैयार हो गया। मैं धनिया पत्ता से गार्निश कर दूंगी। इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे। हम गैस को बंद कर देंगे। मुझे ग्रेवी इतना ही चाहिए था। देखिए दोस्तों मेरा ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर रेडी हो गई। आप लोग भी अपने घरों में बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। तब तक मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।